हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज हम इस लेसन में देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्क्स। जी हाँ, क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमने इनके बायोग्राफीज हम बना चुके हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस के कई लेसन्स बन चुके हैं, जिनके सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके दे दूंगी। विलियम वर्ड्सवर्थ कंप्लीट पैकेज आपका, क्योंकि आज हम यहाँ देख रहे हैं इनके वर्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, और जब हम इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो एक बार वर्क्स इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए सेपरेट लेसन है हमारा सिर्फ और सिर्फ वर्क्स के लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनका, विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ के बारे में। 1770 बॉर्न एंड 1850 डेथ। रोमांटिक पोइट हैं, रोमांटिक एज को बिलोंग करते हैं, रोमांटिक एज स्टार्ट होती है इनका ही जब वर्क पब्लिश होता है 1798 में, लिरिकल बैलाड, तभी से ही मानी जाती है रोमांटिक एज की शुरुआत। तो शुरू करते हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स। टोटल हम इनके 15 to 20 वर्क्स देखेंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं, लेकिन हाँ जिनसे क्वेश्चन आते हैं वही। हाँ, और पहली दूसरी बात यह कि जो इनका मोस्ट फेमस वर्क है वो यहीं सुन लीजिए, टिंटन एबे। आप देख लें, मोस्ट फेमस पूछा जाए टिंटन एबे, जिसका फुल टाइटल है लाइंस रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, फुल टाइटल। 1798 में ही ये पब्लिश होता है लिरिकल बैलाड के अंदर। लिरिकल बैलाड का है पोएम कलेक्शन। और साथ ही में स्टूडेंट्स, इस लेसन में जब हम इनको आगे भी देख ही रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, तो इनके जो वर्क है ना उनके कवर पेज ऐसा मैं उसका पिक्चर भी आप लोगों को शो करूँगी। तो ये जो इनका वेरी फर्स्ट है, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, जी हाँ ये वर्क है इनका, और ये पोयम है, पेट्रार्कन सोनेट है। पब्लिकेशन ईयर हमको देख लेना है, पब्लिश्ड कब हुआ, प्लस उसका लिटरेरी फॉर्म, जैनर क्या है उस वर्क का, उस जैनर पोएट्री है, पोएट्री में भी उसका सब जैनर क्या है ऐसे। तो ये इनका जो वर्क है, पहले तो नेम देख लेंगे, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, जैनर इसका क्या है, ये पेट्रार्कन सोनेट है, पब्लिश हुआ है 1807 में। और ये पब्लिश कहाँ हुआ है, तो इनका इस कलेक्शन का एक, इनका ये वॉल्यूम कलेक्शन है जिसका नाम है पोयम इन टू वॉल्यूम्स, ये इनका पोएट्री कलेक्शन का ही स्टूडेंट नेम है। तो इस नाम के पोएट्री कलेक्शन में इनकी कई पोएम्स पब्लिश हुई, और ये कलेक्शन ऑफ पोएम पब्लिश हुआ था हमारा 1807 में। तो इसीलिए कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये जो पोएम है जो कि एक सोनेट है, ये इसी कलेक्शन में पब्लिश हुई थी 1807 में, ठीक है। ये अलग नेम है, जी हाँ, क्योंकि हम लोग लिरिकल बैलाड, टिंटन एबे, एक तो और ऐसे नेम होते हैं जिनसे आगे नहीं जाते हैं, डैफोडिल्स तो मोस्ट कॉमन है, ओके। तो अभी हम यहाँ कुछ अलग नाम देखेंगे, पर जो इम्पोर्टेंट है इनके वर्क्स के तहत हम इन्हें पढ़ें। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जी हाँ ये टाइटल है डैफोडिल का, डैफोडिल एक लिरिक पोएम है जिसको डैफोडिल भी कहते हैं और ये भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, उसी पोयम की वेरी फर्स्ट लाइन है। पोयम्स ये भी पब्लिश हुई थी 1807 में, और उसी पोएट्री कलेक्शन में, पोयम्स इन टू वॉल्यूम्स, टू वॉल्यूम्स, पोयम्स इन टू वॉल्यूम्स जो पोएट्री कलेक्शन है उसमें ही ये पोयम हमारी पब्लिश हुई थी, ओके। लिरिक पोयम है, ध्यान रखना, और पब्लिकेशन ईयर 1807, डैफोडिल है ये। फिर आता है लंदन 1802, लंदन 1802 ये इसका टाइटल है, ये एक सोनेट है, जैनर भी मैं बताती ही चल रही हूँ, ये एक सोनेट है, एंड अगेन ये पब्लिश हुआ था 1807 ईयर में, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स नाम के पोएट्री कलेक्शन में, ठीक है। यहाँ अभी देखिए ये वाली पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स जो इनका पोएट्री कलेक्शन है 1807 में आया था, अभी जो हमने तीनों ऊपर के पोएम्स देखे हैं उसी कलेक्शन में पब्लिश हुए थे, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे इनका वर्क हम देख लेंगे, टिंटन एबे। तो टिंटन एबे इनका मोस्ट फेमस वर्क है, फर्स्ट थिंग इसका फुल टाइटल है लाइंस रिटन इन, लाइंस रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, फुल टाइटल से भी क्वेश्चन बनता है, नॉर्मल फुल टिंटन एबे बोलते ही हैं। 1798 में ये पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलाड, ये जो इनका वर्क है पोएट्री पोएम्स कलेक्शन ऑफ पोएम, तो लिरिकल बैलाड में कई सारी पोएम्स के कलेक्शन है, और लिरिकल बैलाड के जो राइटर जो पोएम पोइट हैं जिन्होंने लिखी हैं उसकी पोएम्स, तो सिर्फ वर्ड्सवर्थ नहीं है, कॉलरिज भी शामिल है, हम सभी जानते हैं। तो टिंटन एबे इनकी लिखी हुई पोएम पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलाड के फर्स्ट एडिशन में, जी हाँ, लिरिकल बैलाड के और भी एडिशन आए थे, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एडिशन आया था 1798 में। जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं जो आज इसको सिर्फ देख रहे हैं इस पर्पज़ से कि हमारे तुरंत वर्क हमारे वर्ड्सवर्थ के यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, निपट जाएंगे, तो बिल्कुल उनके लिए लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इनको आता है, जो इन्होंने बायोग्राफीज और कई क्वेश्चंस और निकल चुके उनकी आंखों से वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन, तो उनका यहाँ रिवीजन हो जाएगा। टिंटन एबे पब्लिश कब हुआ था, 1798 लिरिकल बैलाड्स में। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, माय हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड,
तो इस पोयम को हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज़ द रेनबो। इम्पॉर्टेंट है ये सब, कौन सी पोयम है जिसके ऐसा टाइटल भी है, क्योंकि डैफोडिल का मैंने आपको बताया, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ओके, ऐसी टिंटन एबे का एक फुल टाइटल बताया, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, अगेन माई हार्ट लीव्स अप व्हेन आई बीहोल्ड, इसका इसको ऐसे भी जाना जाता है द रेनबो से। अगेन ये जो पोयम कलेक्शन, ये जो पोयम है ये भी 1807 में पोयम्स इन टू वॉल्यूम्स नाम के कलेक्शन में स्टूडेंट्स पब्लिश हुई थी। आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, तो देखिए ये स्लम्बर मीन्स होता है गहरी नींद, डीप स्लीप, तो ये है और ये एक लिरिक है, ये जो वर्क है एक लिरिक है, लिरिक छोटा सा गीत, ओके। तो ये इन्होंने लिखा तो था 1798 में, पर ये पब्लिश हुआ था 1800 में, और 1800 में लिरिकल बेलाट का जो सेकंड एडिशन आया था उसमें ये पब्लिश हुआ था। इम्पॉर्टेंट है ये टू पोइट्री कलेक्शन इनके मेन, जिसमें इनकी सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स हम देख लेते हैं। एक तो है लिरिकल बलाट, तो ये लिरिकल बलाट में ये आया था, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ जाते हैं, ये पोएम इनकी है बता देंगे, हाँ ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है, पर कहाँ पब्लिश हुई थी, किस कलेक्शन में हमको मिलेगी, तो लिरिकल बलाट में मिलेगी, ओके। ये ओनली 8 लाइन की पोएम है, लिरिक मतलब छोटा गीत होता है, तो 8 लाइन की पोएम है स्टूडेंट, ये ल्यूसी पोएम है, ये लूसी पोयम 5 पोयम का कलेक्शन होता है, कलेक्शन है जो कि ब्लड में इनके पब्लिश हुआ था, लिरिकल ब्लड में। नेक्स्ट वन इज़ ओड, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, तो जैसे कि इसका जेनर हमें यहीं दिख जाएगा, पोइट्री का लिटरेरी फॉर्म क्या है इसका, ओड है ये, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इसका नाम हो गया, फुल नाम इसका फुल नेम क्या हो गया, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इनका ये इनका जो रिकलेक्शन है अर्ली चाइल्डहुड का, और इसको ग्रेट ओड के नाम से भी जाना जाता है, इमोर्टैलिटी ओड से भी जाना जाता है। मैं इसको नाम क्लियर फिर से कर देती हूँ, इमोर्टैलिटी ओड इसको कहते हैं, इमोर्टैलिटी ओड शॉर्ट में, एंड ग्रेट ओड भी कहते हैं स्टूडेंट, ओके, और ये इनका इनकी चाइल्डहुड के रिकलेक्शन है, ओके। और ये जो पब्लिश हुआ था ओड 1807 में, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स उसी कलेक्शन में पब्लिश हुआ था ओड, क्योंकि ये हमको पता होता है, ये नाम बहुत फेमस है ऑब्वियसली, विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, इट्स ओके, बट ये कलेक्शन पब्लिश हुआ था, ये पोएम किस कलेक्शन में था, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में। द सॉलिटरी रीपर हम नेक्स्ट देख लेंगे, द सॉलिटरी रीपर, तो ये जो इनका वर्क है ये एक लिरिक है, 1807 में पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुआ था, ये एक लिरिक है स्टूडेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पोएम्स इन टू वॉल्यूम नाम के कलेक्शन में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, सरप्राइज्ड बाय जॉय इम्पेशेंट एज द विंड, तो सरप्राइज्ड बाय जॉय इसमें क्वेश्चन मार्क लिखा मिलेगा आपको पोएम में, और ये एक एलेजी है, ये 14 लाइन का है, तो हम इसको सोनेट कहते हैं, पर सोनेट में भी एक एलेजी है, एलेजी शोक गीत, दुख वाला गीत, किसी की मृत्यु पर लिखा जाता है, तो ये इनकी डॉटर की डेथ पर इन्होंने लिखा था, जो मात्र 3 साल की थी, जिनका नाम था कैथरीन, ठीक है, कैथरीन जो कि 1812 में उसकी डेथ हो जाती है, इनकी डॉटर विलियम वर्ड्सवर्थ की डॉटर कैथरीन 3 ईयर्स की एज में उनकी डेथ होती है, और उनके लिए उनकी याद में ये एलेजी लिखते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा इनका, इनका अपने डॉटर के लिए उन्होंने कौन सा एलेजी लिखा है, ओके। 14 लाइन की पोएम है ये, द प्रल्यूड, बिल्कुल ऐसे ही मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं जो मोस्ट फेमस हो गए, टिंटन एबे, प्रल्यूड, लिरिकल बैलाड, उनको बीच में रख लिया है, बाकी तो सारे जो हमको आना चाहिए, जो कि फेमस ना होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस उनको हट के देना होते हैं पेपर बनाने वालों को, तो वो यहाँ से दे दें, तो प्रल्यूड तो कॉमन है ही हमारा, ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, ओके, ऑटोबायोग्राफी तो होती है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, और इसमें वर्ड्सवर्थ का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, ओके। पब्लिश हुई थी ये 1850 में प्रल्यूड, और पोस्टमसली पब्लिश हुआ था, पोस्टमसली मीन्स आफ्टर इनकी डेथ की, क्योंकि 1770 इनका जन्म है, 1850 डेथ ईयर है, तो 1850 में इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था द प्रल्यूड। अच्छा, तो ये जो वर्क है इसके बारे में बता दें कि ये एक पोयम लिख रहे थे, एपिक पोयम, ठीक है, उसका नाम था द रिक्लूज, ये भी याद रख लीजिएगा, द रिक्लूज, द रिक्लूज के प्र
ब्रीफ प्रोलॉग के रूप में, एक वो प्रस्तावना या प्रीफेस जो लिखते हैं ना स्टार्टिंग में, उसके रूप में इन्होंने प्रल्यूट लिखा, प्रल्यूट लिखना चाहा, लेकिन ये अपने आप में ही इतना बिग वर्क हो गया। तो ये भी याद रखना, रिक्लूज इंटेंट इनका ऐसा था, इंटेंशन ऐसा था। और इनका इसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हम देखते हैं, 14 सेक्शन या बुक हैं इसमें, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, 1850 में पब्लिश हुई थी। इनकी ऑटो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। अच्छा, इनका फुल टाइटल डिस्कस नहीं किया, प्रल्यूट का, दैट इज ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, तो इसका फुल टाइटल है। अनदर टाइटल है प्रल्यूड, प्रल्यूड या ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। और एक्चुअली इन्होंने कोई टाइटल नहीं दिया था, ये तो लिख रहे थे, ये वर्क इन्होंने बहुत पहले से लिखना शुरू किया था, पब्लिश इनकी डेथ के बाद होता है। नेक्स्ट इज द सॉलिटरी रीपर। तो ये हमारा हो चुका है, ओड टू ड्यूटी पे हम लोग आ जाएंगे। 7 स्टेंजा की ये पोयम है, ओड टू ड्यूटी, 1807 में पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी ये ओड टू ड्यूटी। ओड है ये, जेनर इसमें लिखा है ये ओड। अच्छा, ये ऐसे पूछ लेंगे टू ड्यूटी, जब उन्हें जेनर पूछना होगा तो वो ओड ना लिख के सीधे टू ड्यूटी लिखेंगे, तो क्या है ये ओड है। ऐसे 7 स्टेंजा है। ओड क्या होता है स्टूडेंट्स, ओड मैं बताया नहीं, बताती चलती हूँ साथ में। ओड क्या होता है, एक तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें लाइन्स होती हैं, किसी को संबोधित करके लिखते हैं। ओके, तो 7 स्टेंजा का ये है, और 1 स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं, टोटल 56 लाइन्स का ये ओड है, ओड टू ड्यूटी, 1807 में पब्लिश हुआ था, इम्पॉर्टेंट है, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अब ये एक और अलग है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जो हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं, हमको यहाँ वर्ड्स वर्क हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ हम ज़रूर से पढ़ रहे हैं। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। तो पहले तो यहाँ बात चल रही है एक तरह का फियर ऑफ डेथ की। ओके, स्ट्रेंज फिट्स, ये भी 7 स्टेंजा पोयम है, लेकिन ये क्या है, लॉन्ग है ना, लॉन्ग पोयम है, 7 स्टेंजा है तो लॉन्ग पोयम है, लेकिन ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक बैलेड है, बैलेड है ये। बैलेड क्या होता है, ठीक है, बैलेड जिसमें कि कहानी नरेट करते हैं, एक तरह से गीत में कहानी है ऐसे। तो स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन आई हैव आई नोन एक बैलेड है, और ये भी, ये जो है बैलेट स्टूडेंट्स, ल्यूसी पोयम में इसको इंक्लूड किया गया। अब ल्यूसी पोयम मैंने बताया ना, कलेक्शन 5 पोयम्स का कलेक्शन है, लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुआ था, उनमें से एक ये भी है। कब हुआ था ये पब्लिश, लिरिकल बैलेड में, ये पोयम हमारी मिलेगी हमें लिरिकल बैलेड में, लिरिकल बैलेड में। ओके, और ये लिरिकल बैलेड के 2nd एडिशन में पब्लिश हुई थी। 2nd एडिशन कब आया था, 1800 में, बिल्कुल। तो ये पोयम 1800 में, 1800 में लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, तो ये इसमें 20 स्टेंजा है अगेन, और ये पब्लिश कब हुआ था हमारा, 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स नाम के पोएट्री कलेक्शन में। ये जो इनका वर्क है डिस्क्राइब करता है विलियम वर्ड्सवर्थ का लीच गैदरर, इनके घर के पास लीच गैदरर से एनकाउंटर होता, सामना होता है, ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट में, इंग्लैंड में, उसके बारे में ये कहानी है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 20 स्टेंजा की पोयम है ये, 2 वॉल्यूम्स, पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में पब्लिश हुई थी। लीच गैदरर से याद रख लेना कि लाइफ का एक इंसिडेंट होता है जिसमें उनसे उनका सामना होता है, तो उसके बारे में है ये। फिर देखिए लिरिकल बैलेड के 1st एडिशन की बात चल रही है, और ये वाला है 2nd एडिशन। 1st एडिशन कब आया था, 1798 में, और जिस साल ये पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेड, इसमें 2 लोग के इसके पॉइंट हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, एसटी कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसी साल से 1798 से ही रोमांटिक एज के स्टार्टिंग मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट है ये लिरिकल बैलेड का 2nd एडिशन, तो ऐसे भी पूछ लेना विद अदर्स पोएम्स, इसमें इन्होंने कुछ और भी पोएम इंक्लूड कर दी थी। ओके, एंड साथ में प्रीफेस भी ऐड किया था। फिर लिरिकल बैलेड का 3rd एडिशन आता है स्टूडेंट्स 1802 में। ओके, एंड 4th एडिशन आता है 1805 में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बता रही हूँ, लिरिकल बैलेड के 4 एडिशन, 1798, 1800, 1802 एंड 1805। अब हम देख लेंगे पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। इतनी देर से मैं आपको बार बार इसी कलेक्शन का नेम बता रही हूँ, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, जिसमें हमने देखा कितनी सारी पोएम्स हमको मिली इसी कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। ये कलेक्शन का नेम है पोएम्स, जैसे कि लिरिकल बैलेड है पोएम पोएट्री कलेक्शन, इन द सेम वे पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स भी पोएम का कलेक्शन है, जिसमें हमने देखा कौन कौन सी पोएम थी, कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ओके, डैफोडिल्स भी इसी में मिलेगी हमको, लंदन 1802 भी इसी में ही है स्टूडेंट, एंड माई हार्ट लिप्स अप
ऑफ व्हेन आई बी होल्ड आई बी होल्ड, ये भी इसी में ही है अ पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में। ओके, ये सारी पोएम्स जो मैंने अभी ऊपर आपको बताई हैं इसी कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। एंड रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ये भी हमारी इसी में ही स्टूडेंट्स है। तो ये पोएट्री कलेक्शन भी हमको इसका नाम आपको एज इट इज़ बताना था तो ये भी रख लिया। व्हाट इज़ दिस पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स किसका पोएट्री कलेक्शन है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। पब्लिश कब हुआ था? 1807 में। और इस कलेक्शन में हमको इनकी बहुत सारी मैनी नोटेबल पोएम्स हमें इसी कलेक्शन ऑफ पोएट्री में मिल जाती हैं वर्ड्सवर्थ की। अब देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन्होंने ये पोएम लिखी थी 1810 में स्टूडेंट्स। ओके, ये पोएम है, नाम याद रख लेना क्योंकि ये ऐसा कुछ नाम है फ्रेंड्स, ये हिस्टोरिकल नेम है। हाँ, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस नाम से पोएम लिखी थी, गाइड टू द लेक। अब जैसे इसके नाम में ही है ना गाइड, किसी को गाइड बुक होती हैं जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए, तो ये एक ट्रैवल बुक है। ओके, गाइड टू द लेक क्या है? एक ट्रैवल बुक है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे टू द कुकू, ये इनकी इंपॉर्टेंट पोएम है। टू द कुकू जस्ट नेम याद रख लो, यहाँ पे ईजी सा नेम है टू द कुकू, ठीक है, और उस पे ना चले जाना सरोजनी नायडू जी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सकर्जन है हमारा यहाँ पे, द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इज़ द एक्सकर्जन, 1814 में आया था। और ये जो है ये इनकी जो पोएम थी द रिक्लूज उसके एक पोर्शन के रूप में था, यानी कि इसको सेकेंड पार्ट भी द रिक्लूज का बना रहे थे इस पोएम को। ये इनकी लॉन्ग पोएम है, द एक्सकर्जन लॉन्ग पोएम है, बस हमें नाम याद रखना है विलियम वर्ड्सवर्थ का ही है। एक्सकर्जन टू द कोको, गाइड टू द लेक, फ्रेंच रेवोल्यूशन, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स, अगेन लाउडेमिया, पब्लिश हुआ था 1815 में। इसका रिवाइज वर्जन आया था बाद में, लेकिन हाँ मेन आपको याद रखना है 1815 लाउडेमिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इनका ये वर्क, ऐसे क्वेश्चन बनेगा इनका कौन सा वर्क है जो ट्रोजन वार पर बेस्ड है, ट्रोजन वार। ओके, ट्रोजन वार पर बेस्ड इनका यही वर्क है, जो कि इसमें क्लासिक स्टोरी है ऑफ प्रोटेसिलस एक हीरो होते हैं, ग्रीक हीरो, उसके बारे में। तो ट्रोजन वॉर ग्रीक स्टोरी कौन सा इनका वर्क है जिसमें हमें ये सब देखने को मिलेगा, दैट इज़ लाउडेमिया। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हमने देखे। चलो इनका वर्क्स, इन सभी के हम एक बार पिक्चर भी देख लेते हैं, जैसे कि कंपोज ऑन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। सबसे पहला मैंने आपको बताया था ये पब्लिश कहाँ हुआ है, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में। ये पोएम है देखिए इस तरह से, पेट्रार्कन सोनेट है, सोनेट कितने लाइन्स का, 14 लाइन का, तो ये सोनेट है हमारा दिख रहा है। नेक्स्ट वन इज देखिए ये लाइन, ये टिंटन एबे का पिक्चर है, टिंटन एबे। ओके, तो फुल टाइटल आप इसमें पढ़ सकते हैं, लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, इसका फुल टाइटल है टिंटन एबे। और जब भी आप लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं, आप लोग पढ़ते हैं तो इस तरह से देखिए आपको अच्छे से और जल्दी याद होगा, है ना। आज लंबर डिड माई स्पिरिट सील, बहुत ही छोटी ही पोएम है, 8 लाइन्स की पोएम है, ओनली गीत है, लिरिक है ये, तो ये देखिए। और जब किसी पोएम का कोई टाइटल डिस्कस नहीं होता है ना, डिसाइड नहीं होता है ना, तो उसकी पहली लाइन को ही टाइटल मान लिया जाता है, ऐसा होता है। देखिए द रेनबो भी इसको कहते हैं, और इसका नाम क्या था, माई हार्ट लीव्स अप व्हेन आई बीहोल्ड। तो वही चीज़ है कि ये टाइटल द रेनबो है, और जो उसकी पहली लाइन है उसको भी एज अ टाइटल कहीं कहीं लिखा हुआ है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का इंपॉर्टेंट पोएम है। ओके, और ये भी एक लिरिक है, पब्लिश किस कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स 1807 में बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, लंदन 1802, ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, लंदन 1802। और ये देखिए इसमें क्या लिखा है, मिल्टन को इन्होंने संबोधित करके लिखी है ये, देखिए मिल्टन यू शुड बी लिविंग एट दिस आवर, ये लाइन का एज इट इज़ क्वेश्चन आता है, ये किसने बोली है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, किसके लिए, मिल्टन के लिए। और मिल्टन के लिए किसने लिखी है ये लाइन, वर्ड्सवर्थ ने, कौन सा पोएम है वो, लंदन 1802। तो आप अगर आप ऐसा लिरिक सर्च करेंगे ना, उसके वर्ड्स वर्ड टू वर्ड पोएम के सर्च करेंगे, तो आपको और ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे जानने को। और क्या है ये लंदन 1802, अगेन ये एक सोनेट है, ठीक है, सोनेट है, इसमें एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट है, ध्यान से देखिए, 8 लाइन का जो है ये 8 लाइन का स्टेंजा है, उसको हम कहते हैं ऑक्टेव, 8 लाइन स्टेंजा ऑक्टेव, ये 6 लाइन है, दैट इज सेस्टेट। ओके, एक ऑक्टेव एक सेस्टेस, टोटल हमारी 14 लाइंस हो गई, जिसको हम कहते हैं सोनेट। तो लंदन 1802 एक सोनेट है, मिल्टन को इसमें बता रहे हैं ये, देखिए। उसके बाद हम देख लेंगे नेक्स्ट है ओड टू द इमोर्टैलिटी, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, एक ओड है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट वर्क, बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट हैं, हमने बहुत शॉर्ट में इनको पढ़ने की कोशिश की है, इतना तो आप लोग देखना ही है अगर आपको वर्ड्सवर्थ को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो हम एक बार पढ़ लेंगे फिर से कौन कौन से हमने देखे। डैफोडिल्स, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, लंडन 1802, टिंटन एबे एंड द रेनबो एंड अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ओके, लिरिकल बैलाड देखा ही है शॉर्ट में, सॉलिटरी रीपर, ओ टू ड्यूटी। और स्टूडेंट्स, मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ के इतने एमसीक्यूज बनाए हैं एंड प्लस इनकी बायोग्राफीज बनाई है, उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग ज़रूर से वो जाके देखिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ आपके 100% तैयार हो जाएंगे अगर आपके एग्जाम में, और ये ऐसे हैं मोस्ट कॉमन है, हर सिलेबस में होते हैं लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए, फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम, फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। स्टूडेंट्स, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।